नमस्ते प्यारे दर्शकों, तो मैं आज फिर लेके आई हूँ क्ले से बना हुआ वास। मैंने आज क्ले का यूज़ करके और इस सौडी, इसे हम सौडी कहते हैं, छोटा मटकी जो होती है, जो हम करवा चौथ में या फिर दिवाली पे और इस ऐसे कोई फेस्टिवल आता है तब हम इसका यूज़ करते हैं, तो इसे हम सौड़ी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उसका यूज़ करके मैंने वास बनाया है। वास मैंने भेड़ का शेप देना चाहा है उसे, ताकि वो क्यूट लगे, क्योंकि मेरी बेटी को भेड़ बहुत पसंद है। मतलब वो शिप, कौन सा बाप बाप ब्लैक शिप हैव यू एनी, वो बहुत गाती है, तो मैंने सोचा चलो वही बनाती हूँ, मुझे क्यूट भी लगता है वो बनाने पर, ऐसी चीज़ें क्यूट लगती हैं, तो मैंने वही बनाने का सोचा। सौड़ी में वो चीज़ इजी आप बना भी सकते हैं, क्योंकि उसका पूरा वूल से भरा हुआ रहता है, तो वो बीच में से मोटा मोटा दिखता है, इसीलिए मैंने इसका यूज़ करके ये बना रही हूँ। बहुत ही अच्छा दिखने वाला है, आप यकीन मानिए। मैंने आप देखें कि पाँव जो बना है वो वाइट सीमेंट का यूज़ करके बनाए हैं, क्योंकि क्ले से सीमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है और वो टिकी रहती है। क्ले एकदम सूखता नहीं है, सीमेंट एकदम से सूख जाती है, इसलिए मैंने क्ले का यूज़ ना करके वाइट सीमेंट का यूज़ इसके पाँव बनाने में किया है। अब आप देखिए कि जब मैंने क्ले लगाया पूरे में, तब सूखे उससे पहले ही मैंने इसके ऊपर डैश डॉट 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 करके ब्रश से इसको प्रेस कर दिया, ताकि वो अच्छे से उसी समय अपना टेक्सचर ले ले। अब मैं इसके सिंग बनाऊंगी। मैंने इसका फेस और सब जगह क्ले से ही बनाई है, बस इसके पाँव ही सीमेंट से बनाए हैं। अब देखिए, मैंने क्ले का यूज़ करके इसके कान भी बना दिए हैं। ये क्ले चॉक पाउडर से बना हुआ क्ले है, जो आप इजीली घर पे बना सकते हैं। बस आपको दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए ग्लू और दूसरे चाहिए चॉक पाउडर, और आपका क्ले रेडी हो जाएगा। बस उसे आटा गूंथते हैं, वैसे ही गूंथना है, पर मैं इसका वीडियो भी जल्दी लेके आने वाली हूँ। अब आप इसको फिनिशिंग देने के लिए हल्का हल्का पानी का यूज़ भी कर सकते हैं, ताकि स्मूथ रहे। स्मूथ रहेगा तो उसका दिखेगा बहुत सुंदर और फिनिशिंग अच्छी दिखेगी। इसीलिए अब मैंने क्या किया है, उस जो क्ले राउंड राउंड जो से मैंने घुमा करके जो क्ले बनाया था ऐसे, उसको मैंने इसके फोरहेड पे भी लगाया है, अलग से फिनिशिंग दिखने के लिए और एकदम जो बारीकियां होती है वो अच्छे से दिखाने के लिए। फोरहेड पे मैंने क्ले का यूज़ अलग से किया है, उसे पिन से नहीं दबाया। अब मैं इसे वाइट कलर से पूरी तरीके से कवर कर लूँगी। हम कोई भी कलर करते हैं दूसरा, जिससे आपको रेड ब्लू ग्रीन ये कलर करना हो अगर इसके ऊपर, तो आपको वाइट बेस देना ज़रूरी है, उससे प्रॉपर जो कलर आपको चाहिए वो आता है। इस वजह से आपको बेस में वाइट कलर ज़रूर देना चाहिए। हाँ, अगर आपको डार्क कलर जैसे कि डार्क ब्राउन है, जैसे कि डार्क ब्लैक है, या फिर बहुत डार्क डार्क कलर आपको करना है किसी जो भी आप बना रहे हो उसके ऊपर, तो आप डायरेक्टली वो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप वाइट कोटिंग ज़रूर करिए। अब देखिए, मैंने इसके सिंक पे थोड़ा सा लाइट, मतलब ऐसे ब्राउन, डार्क ब्राउन ही कराए, पर उसके ऊपर ब्लैक कलर की मैं लाइन बनाऊंगी सिंक के ऊपर, उसे दिखाने के अकॉर्डिंग मैं इसको एकदम डार्क नहीं पर हल्का डार्क ब्राउन कलर का मैं इसके सिंग बना रही हूँ। मेरी बेटी ने कहा कि नहीं मम्मा, आप इसकी है ना फेस ब्लैक कलर का मत बनाओ, तो इसीलिए मैंने इसी वजह से इसका फेस ब्लैक कलर का नहीं बनाया है। और दो तरीके की होती हैं भेड़, वेदर के अकॉर्डिंग इनका फेस और कलर होता है, तो इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, जो बेटी बोल रही है वो करता है।
और आप देखें कि मैंने जो वाइट बेस दिया था उसके ऊपर हल्का सा येलोइश शेड लाने के लिए वही जो ब्राउन कलर जो मैंने सिंह में लिया था, जो मैंने फेस पे लिया था, उसी को हल्का हल्का वाइट के साथ मिक्स करके पूरे पे टेक्सचर कर दिया है। अब मैंने क्या किया है कि वाइट कलर, कहीं पे वाइट कलर ले लिया है तो कहीं पे हल्का सा ब्राउन कलर, ताकि उसका जो टेक्सचर है वो प्रॉपर आ सके, जैसा भेड़ दिखता है वैसा आ सके। इस वजह से आप भी इसी तरीके से करिए, ताकि अगर एकदम से पूरा कलर आप मिक्स करके करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, बट आप उसको कहीं कहीं पे वाइट और कहीं कहीं पे ऑफ वाइट इस तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा टेक्सचर दिखने वाला है इसका, प्रॉपर जिस तरीके से दिखना चाहिए वैसा दिखेगा। आप ये पूरा बन जाने के बाद इसके ऊपर वार्निश का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसको ग्लो मिले, फिनिशिंग अच्छी दिखे और एकदम रियलिस्टिक जो हम मार्केट में से लेके आते हैं उस तरीके का दिखे। आप नीचे इसकी नोज़ बनाइए, नीचे मैंने नोज़ बनाने के लिए दो होल भी करे हैं ताकि अच्छे से वो फिनिशिंग से दिखे, और उसके ऊपर ब्राउन कलर का नोज़ का टेक्स्ट वो दे दिया है, आकार दे दिया है। अब आप कलर करिए उसके ऊपर, बस आइस बनानी है और आपका वास रेडी है। और इसके अंदर आप मिट्टी भर के, आप जो छोटे छोटे गमले होते हैं, मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जो डेकोरेशन में काम आते हैं, जिसकी जड़ ज़्यादा बड़ी नहीं होती है और छोटे छोटे ही ज़्यादा ग्रो नहीं करते, वो आप इसमें लगा सकते हैं। मेरे पास तुरंत से नहीं था, इसलिए मैंने सिर्फ आपको लगा करके बताने के लिए ही लगाया है। आप देखिए, आपको जो समझ में आता है आप वो लगाइए, है ना, और इस तरीके से आपका वास रेडी हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये वास पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, छोटी छोटी बारीकियों को इसमें डालें ज़रूर, जो इससे भी आपको जो भी छोटी बारीकियाँ दिखती हैं वो ज़रूर से कवर करें उसको, ताकि बहुत सुंदर दिखे। तो इस तरीके से आपका पूरा शेप बन जाएगा। बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी होल, है ना, लग रहा है ना वैसे ही। तो ब्लैक शिप तो नहीं, व्हाइट शिप तैयार है, और आपने भी अगर बनाया हो तो मुझे बताइए, और मुझे आगे कौन सा बनाना चाहिए सजेशन ज़रूर दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट आइटम वो बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखिए मैंने सिंक पे ये लाइन कर दी है और आपका वास तैयार हो गया है। थैंक यू, बाय बाय।